मैजिक मोबाइल थोड़ी मस्ती थोड़ा स्माइल। तेरी बदमाशियों का मैं ऐसा मजा चखाऊंगा कि बनने के बाद भी तू रोएगा। काकी मामा, हम सच कह रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया है। ना रोहन। हाँ काकी मामा, आप भूल गए, आपने ही तो कहा था कि हम मासूम बच्चे हैं। बकवास बंद कर। काके, तू इनकी बातों में मत आना। ये दोनों एक नंबर के गुरु घंटाले। और ये रविंदर, इस रविंदर ने तो अच्छे अच्छे आतंकवादियों को पानी पिला दिया है। ये सब इसी का ही किया कराया है। चुप कर! देखो तो कितना भोला बन रहा है। हाँ, मैं जानता हूं बैणा, ये बहुत ही चालू चीज है, लेकिन इस बार इसने गलत नंबर डायल कर दिया है। इसको नहीं पता कि एक बार काके बिगड़ता है ना तो संभलता नहीं है। मामा, हम सच कह रहे हैं। हाँ। काके, अब तुम लोग अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। काके की कयामत तुम्हारे ऊपर मौत बन के आएगी। और बहुत जल्दी आएगी। मार डाला इन करम जलों ने। हाय रब्बा। अब क्या होगा रावी? पता नहीं, पर हमने तो कुछ नहीं किया रोहन। रावी, किसी ने भी किया हो, लेकिन काके मामा हमसे ही बदला लेंगे। पर क्यों? शायद उन्हें हम लोग बहुत पसंद हो इसीलिए। पसंद? अब तू भगवान के लिए थोड़ी देर चुप हो जा, मुझे सोचने दे। थोड़ा मेरे खाने के बारे में भी सोच लेना। अब तू अपने पेट पर गीला कपड़ा बांध कर सो जा, कुछ खाने को नहीं मिलने वाला। काके मामा आए तो बस टेंशन लेके आए। इस बार मैं उन्हें ऐसी सजा दूंगा कि दुनिया देखेगी। हाय, तो तू क्या आसमान में लटका के मारेगा? ओए, बहुत खर्चा बढ़ जाएगा, तू ना जमीन पे कुछ सोच ले। ओए, मैं इन्हें चढ़ांगा नहीं, किसी कीमत में नहीं चढ़ांगा। पिद्दी जैसे बच्चे और पहलवानों से काम। ओए, ये उनका काम अकेले का नहीं है, ये कोई और ही है जो इनकी मदद कर रहा है। ओए काके, तू पागल हो गया? क्या कह रहा है तू? कोई और होता तो क्या हमें दिखाई नहीं देता? ओए, दिखाई तो तब देगा ना जब हम उसे ढूंढेंगे, वरना अच्छे चुंदर जैसे बच्चे अकेले इतने पंगे ले सकते हैं? हैं? बात तो सही कह रहा है, लेकिन ये है कौन? ओए, वही तो पता करना है। ओ, याद आ गया। है कौन? ओ, तेरे चीचा। ओए, वो चिरकुट टिटपुंजिया जीजू। हाँ काके, तुझे पता है जब से मैंने तुझे फोन किया और यहाँ बुलाने का फैसला किया ना, तब से वो मुझसे चिढ़े हुए हैं, चिट्ठी भी लिख दी है। ओए पहना, जो आदमी काके के नाम से भी कांपता है, वो काके के सामने आने की हिम्मत करेगा? ये किसी और का काम है, कोई अजनबी, वो भी मैं बहुत जल्द पता लगा लूंगा। पहले इस कार का उस मॉटम पे कर लूं। रोहन, आखिर ये सब हो क्या रहा है? प्रीतो चाची, काके मामा, उनकी हालत देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे इस घर में भूत हो। भूत? रोहन तो भूल गया,
बड़े पापा जी ने, मम्मा ने, टीचर ने सबने क्या सिखाया था कि भूत भूत कुछ नहीं होता है। वो तो उन्होंने नहीं देखा होगा इसलिए ऐसे ही कह दिया होगा, लेकिन तूने तो अपनी आंखों से देखा ना, कम से कम तू तो विश्वास कर। वो पिराने की प्लेट उड़ रही थी और कैसे वो हलवा हमारे कमरे में आ गया था। मैंने तो उस भूत का हलवा भी खा लिया था। है भाई गुरु जी मेरी मदद करना। बस भूत भूत कुछ नहीं होता है, बस मन का वहम होता है। चल। अरे सुन तो रावी, अब क्या है? अच्छा तो ये बता ये सब क्यों हो रहा है? नहीं है ना जवाब, मैं बताता हूँ, भूत की वजह से। फिर से वही बात? हाँ क्योंकि ये बात सच है। रोहन ये बता तूने कभी भूत देखे है? नहीं। हाँ इसलिए नहीं देखा क्योंकि भूत भूत कुछ होता ही नहीं है। तूने कभी अपने कान देखे? कान? हाँ कान, मैं अपने कान देखने की कोशिश करता हूँ। देखा? नहीं दिखाई दिए ना, कितनी भी कोशिश करो लेकिन नहीं दिखाई देंगे। लेकिन कान तो है ना, वैसे ही भूत होते हैं जो नहीं दिखाई देते। अब मैं तुझको कैसे समझाऊं? पहले तू समझ रावी, भूत होते हैं। माफ करना जी। बहुत बहुत कार में यहाँ पे पकड़ में आ गया। कहाँ छुप गया? एक बार नजर आ जाए ऐसी पीपड़ी बजाऊंगा कि याद रखेगा हमेशा। कहाँ गया ये? ओए की हो या? रविंदर के चमचे बाहर निकल। ओए दम निकल गया तेरा, हेकड़ी निकल गई सारी। अगर तम है ना तो बाहर आके दिखा। चल कोई गल नहीं, तुझे मैं एक मौका और देता हूं, ठीक है? अब तू ऐसा कर, मेरे जूते पे ना अपनी नाक रगड़ ले और मुझसे माफी मांग ले, हैं? तो मेरा मूड ठीक हुआ तो मैं तुझे माफ भी कर सकता हूँ, हैं? चल जल्दी जल्दी बाहर आ जा, बाहर आ। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। देख मैंने आग भी बंद कर लिया, ये देख। ए, आ। तुझे लगता है ये काम कोई इंसान कर रहा है और मुझे लगता है ये काम कोई भूत कर रहा है। अब इसका फैसला तू ही कर। मैं कैसे? मैजिक मोबाइल से। रोहन तू पागल हो गया है? हम इन सब के लिए मैजिक मोबाइल का यूज नहीं कर सकते, इससे उसका पता नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, एक बार यूज तो कर, देखना पता चलेगा। चल अब जल्दी से मैजिक मोबाइल निकाल। नहीं रोहन मैं नहीं करूंगी। तो फिर मैं कुछ करूंगा। क्या? पुलिस के पास जाऊंगा, उनसे हेल्प मांगूंगा। यार मुझे बहुत डर लग रहा है। रोहन पुलिस वुलिस के पास जाना अच्छा नहीं होगा, हम अपने घर की बात खुद संभाल लेंगे। इसीलिए तो कह रहा हूँ मैजिक मोबाइल निकाल और पता लगा कि वो कौन है। रविंदर भवन में जो भी घट रही घटनाओं के पीछे है वो हमारे सामने आए, हमें दिखाई दे। हाय
कहीं ऐसा तो नहीं जसबीर और सिमरन शिमला जाने का बहाना करके यहीं कहीं छिप गए हो और इनकी मदद कर रहे हो? नहीं नहीं, अगर ऐसा होता तो कब के बाहर आ जाते। रोहन से मैंने चाय बनवाई थी, रविंदर से बर्तन मंजवाए, आखिर ये है कौन? बस एक बार मैंने पता चल जाए ना कि ये है कौन, फिर देखना मैं ऐसा मजा चखाऊंगी, ऐसा मजा चखाऊंगी, ऐसा मजा चखाऊंगी। कौन हो तुम? क्या चाहती हो? कब आएगा सामने? रोहन थोड़ा रुक। तूने बटन तो ठीक से दबाया था ना? रोहन तो बार बार नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही क्रॉस चेक कर रहा था। या तो वो कोई भूतों का, या तो वो कोई प्रेत। रोहन ये मैजिक मोबाइल केवल दुश्मनों के खिलाफ काम करता है, दोस्तों के खिलाफ नहीं। इसलिए हम नहीं बता सकते इन घटनाओं को अंजाम देने वाला कौन है। समझा? वो हमारा दोस्त है, भूत नहीं। हाँ समझ गया, लेकिन एक बात नहीं समझा, हमारा ऐसा कौन सा दोस्त है जो भूत नहीं है? ओए की हो या? ओ मेरे सामने आने में टाल लग रहा है। ओ ना ना, इसमें कोई तेरी गलती नहीं है, सारी दुनिया है ना इसका यही हाल है। काके के सामने आने से अच्छे अच्छे की कमीज ढीली और पैंट गीली हो जाती है। हाँ, और जो जीभ है ना तलवे से चिपक जाती है, और जो जबान है वो हकला जाती है। हाँ नहीं तो कौन है तू? काके को छेड़ के अच्छा नहीं किया, और तुमने सोते हुए नाक को जगाया है।
मैं तुमको ऐसा मारूंगा, ऐसा डसूंगा कि पानी भी नहीं मांगोगे तुम लोग। काके मामा तो हम पे ही शक कर रहे हैं। अब और एक नई मुसीबत। समझ नहीं आता ये सब हो क्या रहा है। जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। उस प्रीतो चाची ने हमारे मुँह से हलवा छीना था ना, अब ऊपर वाला उनके सुख चैन छीन रहा है। खूब कुटाई हो रही है उनकी। रोहन, किसी की परेशानी में से खुश नहीं होते। हमें इस मुसीबत का हल सोचना होगा। नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये भूतों का खेल है रावी जी। हम जैसे चंगू मंगू कुछ नहीं कर पाएंगे। रोहन बस बंद कर अपनी राम कहानी। बार बार एक ही बात। रोहन तू बहुत वहमी हो गया है। रावण अब तू कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है नहीं बोलूंगा। लेकिन ये तो देख ये कौन लाया होगा। रविंदर रोहन खाना खा लो। तुम दोनों भूखे हो। तुम्हारा सच्चा दोस्त। आखिर कौन हो सकता है ये। रवि खाते खाते बात करते ना, अगर जल्दी नहीं खाया ना तो सच्चा दोस्त भी नाराज हो जाएगा। चल शुरू करते। काके आज तो फैसला होके रहेगा, या वो दोनों रहेंगे या काके रहेगा। तू कहाँ जा रहा है। सलाद काटने। मच्छा ओए आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। देख काके बात बिगड़ जाएगी। परवाह नहीं है। पुलिस केस बन जाएगा। और दुश्मनी करने वाला डरता नहीं है। मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। ओए काके गुस्सा ना इंसान का दुश्मन होता है। हम उनको मारेंगे लेकिन तरकीब से, जिससे ना सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। याद है तुझे, तूने ही मुझे समझाया था। ओए आज मैं कोई नहीं समझा सकता। इन्होंने मुझे चैलेंज किया है। आज तो मैं इनको इनकी औकात दिखा के ही रहूंगा। जब तक मैं इनकी औकात नहीं दिखा दूंगा ना, तब तक मैं नू सुकून नहीं आएगा। ओ तू हट परे। पिंड के बच्चों हाय रब्बा, हाथ में तो चाकू शाकू है। अगर इन दोनों को इसने मार दिया तो इसके साथ साथ मुझे भी जेल में सड़ना पड़ेगा। नहीं, हे वाहेगुरु, मेरी रक्षा करना, मेरी रक्षा करना। खाना बहुत टेस्टी है ना। हाँ रोहन, रोज ऐसा खाना मिले तो मजा आएगा। हाँ सही कह रहा है तू। काके सही कहा तूने। बहुत मजा आएगा। काके मामा जी आप भी खा लो ना। हाँ काकी मम्मा जी खा लो ना। खाऊंगा लेकिन उससे पहले तुम्हें निपटाऊंगा। थोड़ी मस्ती थोड़ा स्माइल।
घोड़ा।